आप लोग देखोगे एक्स की वैल्यू आएगी। हो जा ये देखो एक्स की वैल्यू क्या आई, 5 आ गई। लेकिन हमने तो सी आउट यहां पर भी लिखा हुआ था ऊपर, तो ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ, उसकी भी एक वजह है, वो भी आगे चलते हैं। अच्छा एक ही विंडो पे मैंने दो जगह इंट एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं यहां पर नीचे जाकर फिर लिख देता हूं इंट एक्स, भी तो वही होना चाहिए। जब वहां पर इंट एक्स लिख के कोई एरर नहीं आया तो यहां पर भी एरर नहीं आना चाहिए। तो अगर हम दोबारा तो हमें बोल देगा रीडायरेक्शन इंट एक्स। ठीक भाई आप दो जगह से आ गए, तेरी मोबाइल में था जी, करूंगा मैं बादशाह भाई है? नहीं सर। ठीक से आ जाओ, दो दफा पढ़ लो, कोई मसला नहीं। कौन? अच्छा ओके अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, अब देखो अब वो आ गया रीडिफरेंट एक्स, तो वो यहाँ पर दोबारा कह रहे हैं कि आपने एक लाइन एक वेरिएबल को दोबारा लिख लिया, तो यहाँ पर आप दोबारा इंडिपेंडेंट काम नहीं है इस बार असेंबली कर सकते। लेकिन हम लोग अगर अपना सेल्फ डिफाइंड फंक्शन लिखे तो उसमें हम वेरिएबल और वहां के वेरिएबल को सेम भी कर सकते हैं। अच्छा अब तीन ऐसा है वाली वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं हुई जबकि हमने सी आउट एक्स लिखा हुआ है, ये वैल्यू इसलिए क्योंकि आपका जो कोड है आपका वो यहां से स्टार्ट होता, वो इस जगह से स्टार्ट होता है, ये इस लाइन से, वो कभी भी ये लाइन नहीं पढ़ेगा जब आप उसको बताओगे नहीं कि उसने ये लाइन पढ़ ली है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हम सेल्फ डिफाइन लिखते हैं उसको हम कॉल करते हैं, एक कॉलिंग का एक ऑप्शन होता है। कॉल का मतलब है कि अब मैं यहां पर कैसे कॉल करूंगा, मैं लिख दूंगा इनपुट जो मैं आप देखते हो मैंने लिख दिया इन जो ऊपर मैंने अपने सेल्फ डिफाइंड फंक्शन का नाम रखा था और आगे के दो ब्रैकेट्स वो मैंने उठाकर यहां लिख दिए, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉलिंग। अब ये क्या करेगा, इस कॉलिंग का मतलब है कि जब ये अब फर्ज करो क्योंकि ये कोडिंग सिक्वेंशियली चलती है, हर लाइन के हिसाब से चलती है, तो क्या होगा स्टेप, सबसे पहला जब कोड शुरू होगा रन होगा तो वो इंट एक्स पे आएगा इस लाइन पे, वो आके देखेगा एक वेरिएबल डिफाइन हो गया, फिर वो देखेगा एक्स की वैल्यू 5 हो गई है, फिर वो एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर वो इनपुट वैल पे आएगा, अब वो देखेगा तो वो यहां से कहां जंप मारेगा, इस जगह जो वैल के जो वैल की कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो काम आप कर रहे हो वो वहां से जंप मारेगा इस जगह और वो वाला काम शुरू कर देगा। तो अब अगर हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, एक अपर हम लोग एंड लाइन भी लिख देते हैं, आप लोग वो नाम है करते हो ना बैक एंड, उसका एक और काम एक और मतलब एक अल्टरनेटिव वैल्यू ये भी है, अगर आप लोग बार बार क्या कहते हैं ये कर्ली सॉरी डबल कॉलम करके एक बैक स्लैश एन नहीं लिखना चाहते और आप देखते हो कि यार यहाँ पर एक्स आया हुआ है तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं बार बार ये करूं, तो आप एंड एल भी लिख सकते हो, इसका मतलब होता है एंड लाइन, तो वो वही काम कर देगा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। मैं जरा इसमें कंफर्टेबल होता हूँ तो मैं ये काम करता हूँ। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो अब हमारे पास आना चाहिए एक्स इज इक्वल टू 5 और एक्स इज इक्वल टू 10। अब देखो दोनों चीजें आ गई, क्यों, क्योंकि अब मैंने ये फंक्शन कॉल किया था, पहले मैंने कॉल नहीं किया हुआ था तो वो ऊपर वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करा रहा था, अब वो प्रिंट कर रहा है। तो कॉलिंग अगर आप कोई खुद से फंक्शन लिखोगे जैसे मैंने यहां लिखा है उसको कॉल करना जरूरी है, अगर उसका उससे आपने वर्किंग लेनी है उसके अंदर जो लिखा है तो उसको कॉल करना जरूरी है। तो कॉल करना होता है जो आपका फंक्शन का नाम है और आगे जो सिंपल ब्रैकेट्स, अब ऊपर देखो कोई ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, इस वजह से हमने यहाँ पर भी ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा। अच्छा
अब हम आ जाते हैं, अब हम इस चीज को हटा देते हैं। अब फर्क, अब अगर हम लोग सारा कुछ देखें तो अब वही बात है कि हमारे टोटल 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 इधर से ले पूरे इस पूरे में और इस पूरे में क्या फर्क है, वॉइड और इंट का, इनपुट वैल और मेन का, और रिटर्न जीरो का। अब ये क्यों होता है, मैंने आपसे कहा है कि इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है और इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, मतलब इस मेन फंक्शन का इनपुट वैल के साथ कोई लिंक नहीं है और इनपुट वैल्यू का मेन के साथ कोई लिंक नहीं है। अब हम मैं आपको बताऊंगा कि लिंक अगर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे। कोई बात कहनी है, मुझे समझ नहीं आई अगर कोई कुछ बोलना चाह रहा है। आवाज सब तो क्लियर आ गया ना, कभी कभार मेरी आवाज भी इसमें हल्की हो जाती है, तो ओके है ना। ठीक है ओके। अच्छा वापस कमिंग बैक, तो अब हम लोग बनाएंगे इनके दरमियान। अब लिंक बनाने के दो तरीके हैं, आप लोगों को मैंने जैसा कहा है कि अगर आप लोगों ने कोई, अच्छा लिंक बनाने का क्या मतलब होता है कि हम लोग वैल्यूज ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब फर्ज करो कि अगर फर्ज करें मैं यहाँ, अच्छा ये वाला 10 अगर x की 10 की वैल्यू मैंने यहाँ भेजनी है तो उसके लिए हमें एक तरीके से प्रोसेस करना पड़ता है, और अगर मैंने यहां से मेन से वैल फिर एक और काम करना पड़ता, दोनों साइड्स के हमें लिंक्स बनाने पड़ेंगे अगर हम लोग कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हमारा ये वॉइड और इंट का फर्क आ रहा है, हम लोग अगर ये चीज इसको देखते हैं कि ये क्या फर्क है। वॉइड का मतलब होता है कि नो रिटर्न। अब आप लोग, वॉइड का मतलब होता है नल, एन यू डबल एल। नल का क्या मतलब है कि ये चीज, अब आप लोग देख रहे हो कि यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं वॉइड, तो वॉइड इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू यहां से आपके इनपुट वैल वाले फंक्शन से मेन में नहीं जा रही। इनपुट वैल कोई भी वैल्यू मेन में नहीं भेज रहा, इसलिए हमने लिख दिया वॉइड नल, कि कोई चीज भी वापस नहीं जा रही। लेकिन अगर हम लिखते हैं वॉइड की जगह इंट, तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब इंटीजर कौन सी वैल्यूज होती हैं, होल नंबर्स, कि कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट वैल से मेन में जा सकता। तो अब मैं अगर आपको कहूं, अब मैं इसका बेसिकली मतलब है, एक्स क्या है, हमने एक्स को क्या लिखा हुआ है, इंट रखा हुआ है ना, तो मैं इंट का कोई भी वैल्यू यहां से यहां भेज सकता हूं, इससे पहले नहीं भेज सकता था क्योंकि मैंने यहां पर वॉइड लिखा हुआ था। अब फर्ज करो मैं भेजना चाहता हूं कोई डेसिमल नंबर भेजना चाहता हूं, तो मैं यहां लिख लूंगा फ्लोट। जिस भी टाइप का डेटा आप लोग वापस भेजना चाहते हो अपने मेन वाली फाइल में, अपने मेन वाले फंक्शन में, आप उसको अपने फंक्शन के नेम के पीछे लिख देते हो। अब मैं बेसिक, क्योंकि आप लोगों को था, तो हम लोग लिख देते हैं इंट। अब आप लोग देख रहे हो ये भी सेम हो गया, इंट और इंट भी सेम हो गया, नाम का फर्क है ऑब्वियसली, पर एक और फर्क है पूरे उसमें, रिटर्न जीरो का। अब हमेशा याद रखो, जब आप लोग वर्ड लिखते हो तब आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी आपने उसको ये भी, अगर आपने ये लिख दिया कि अभी आपने सिर्फ ये लिखा है कि किस टाइप का डाटा वापस जाएगा, आपने ये नहीं बताया कि कौन सा डाटा वापस जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक्स की जो 10 की वैल्यू है वो यहां चली जाए, अब मैं यहां पर एक्स को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, फॉर अगर हम इसको और इसको वापस वॉइड कर देते हैं, अभी हम लोग कोई डाटा वापस नहीं भेजना चाह रहे। अब हम जरा इसको प्ले करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू वापस नहीं भेजी, या एक्स की हमने कोई वैल्यू सेट ही नहीं की। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, पर हमने x की वैल्यू इनपुट वैल वाले में सिलेक्ट की हुई है, लगाई हुई है, तो हम क्या कहेंगे, हम यहां पर कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, अभी क्या वैल्यू, अभी कौन सी प्रिंट हो रही है, ये वाली,
देखा था।